गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ओके, एंड यू नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एज यू सी टुडे द एनवायरनमेंट सराउंडिंग अस, दैट एवरी पॉलिटिक्स पार्टी पुट देयर एजेंडास इन फ्रंट ऑफ द पीपल दैट आवर मोटिव इज दिस एंड दिस एंड दिस. सो व्हाटएवर, in a democracy people are governed through the elected representative. What we elect the representative normally, and that representative are those representative govern upon us. That's it. This is a democracy. Prajatantra hai. Prajatantra kya hota hai ki hum jo election held karwate hain chunav aayog ke dwara, theek hai, election commission ke dwara, uske through jo log representative bante hain aur वो क्या करते हैं बाद में उनके थ्रू सीएम पीएम बनते हैं और वो लोग हमें गवर्न करते हैं. ठीक है, यही तो डेफिनेशन भी है डेमोक्रेसी की. पीपल आर गवर्न थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. गवर्निंग थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यही गवर्न करते हैं हम लोगों को. ठीक है, यही एक डेमोक्रेसी का रूप भी है. अब इस बात को मैं और मजबूत करने के लिए बताता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू कि आप छोटे छोटे गांव में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं गांव में, कस्बों में, सिटीज़ में इलेक्शन हेल्ड होता है. इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं अपना कीमती वोट डालते हैं. वोट डाल के हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं आगे जाके अपने उन्हीं वोटों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, योगदान करते हैं चुनने के लिए, इलेक्ट करने के लिए क्या सीएम, और फिर जाके पीएम होती है. तो कहीं ना कहीं कहते ना इलेक्शन दो टाइप का हमारे यहाँ होता है, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनडायरेक्टली. हम जो विधायक चुनेंगे, प्रधान चुनेंगे, वो डायरेक्टली चुनेंगे, लेकिन जब पीएम की बात आ जाए, प्रेसिडेंट की बात आ जाती है तो हम कहते हैं वो चुने जाते नहीं, कैसे, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं. ये भी आपको पता है अच्छे से, एक बार क्लास बता चुका हूँ आपको. नाउ कम्स अ पॉइंट, इलेक्शंस, चुनाव, द मैकेनिज्म और प्रोसीजर बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इलेक्शन. ये हर 5 साल में इलेक्शन होने हैं. ओके, तो ये जो एक कॉन्टीन्यूटी है और एक प्रोसेस है, ये इलेक्शन होते हैं. केस ऑफ हरियाणा असेंबली, अब एक बहुत बड़ा मैटर है केस ऑफ हरियाणा असेंबली का, असेंबली में सभा होती है. फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टी, एक नई पार्टी का जो चुनाव होता है, जो नई पार्टी बनती है. हरियाणा हैड बीन रूल्ड बाई कांग्रेस पार्टी सिंस 1982. बहुत पहले हरियाणा में किसकी पार्टी थी, 1982 की बात है, 1982 की बात है कि कांग्रेस पार्टी थी. जाहिर सी बात है पिछले जब से देश आजाद हो उसके बाद कांग्रेस नहीं, अभी थोड़ा सा बीजेपी देखने को मिलती है, अदर पार्टीज देखती हैं, लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी शुरुआत से अब तक प्लस की है. तो हरियाणा हैड बीन रूल्ड बाई कांग्रेस पार्टी सिंस 1982. एट दैट टाइम, उस समय चौधरी देवी लाल, ये नाम याद रखना, आप अंडरलाइन कर लेना या फिर आप कहीं पर लिख लीजिए, चौधरी देवी लाल वाज एन अपोजिशन लीडर. चौधरी देवी लाल क्या थे, अपोजिशन मतलब होता है विपक्ष में होना. ही लेड अ मूवमेंट कॉल्ड नया युद्ध. उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, मूवमेंट शुरू किया, जिसका नाम चलाया नया युद्ध. स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए संघर्ष. एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी कॉल्ड लोकदल, और एक नई पार्टी बनी, इसका नाम है लोकदल. आपने नाम सुना भी होगा, है ना, नरम दल और ये सब भी नाम सुना होगा. गुड, तो लोकदल नाम था इसका. किसका लोकदल नाम था, जिस पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट किसने की, देवीलाल चौधरी ने. ओके, और ये बात 1982 का समय से. इलेक्शन कंपेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्शन कंपेन. देखिए जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, है ना, अपनी अपनी बात रखते हैं कि हमारा जो मोटिव है ये है इलेक्शन को लेकर के, हम ये करेंगे. तो एक अभियान होता है ना, चुनाव अभियान चलता है. तो इन इलेक्शन कंपेन ऑफ 1987 1987 में असेंबली इलेक्शन, देवी लाल प्रॉमिस्ड वोटर्स दैट इफ हिज पार्टी विन, यदि उनकी पार्टी जीती, किसकी पार्टी, देवीलाल पार्टी, कहाँ बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है. ठीक है, कांग्रेस के विपक्ष में थे, उनके समक्ष में नहीं थे, उनके फेवर में नहीं थे, उनके विपरीत कार्य कर रहे थे, उनके विपक्ष में थे. तो उन्होंने कहा यदि मेरी पार्टी जीती, ही वुड वेव
लोन्स फ्रॉम ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो जितना भी लोन है छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर जो लोन आ गया है, साथ साथ जो लोन किसानों के ऊपर है, वो हम माफ़ कर देंगे। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कई सालों से कि जो भी पार्टी आने वाला होता है वो वादे करते हैं वोटर से, वोटर हम लोग हैं और क्या हम लोग, तो वोटर से वादे करते हैं कि हम बिजली बिल माफ़ कर देंगे, 300 यूनिट फ्री कर देंगे, या फिर लैपटॉप देंगे, या फिर टैबलेट देंगे, एसेट्रा एसेट्रा प्रॉमिस करते हैं वोटर से कि हम पार्टी में जीतते हैं। इसके लिए तो करते हैं कि भाई तभी तो आप वोट करोगे उनको। चलिए, वोटिंग क्या है? वोटिंग एज पीपल वर अनहैप्पी, जैसे कि लोग खुश नहीं थे उस वक्त विद एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, यानी कांग्रेस था भाई, गवर्नमेंट किसकी थी? एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट किसकी थी? हरियाणा में कांग्रेस की थी। और विपक्ष किसने बनाया? तो आपने पढ़ा लोकदल बना, किसने बनाया लोकदल? देवीलाल चौधरी जी ने बनाया। कहाँ? हरियाणा में बनाया। कब? 1982 की बात चल रही है। तो एज पीपल वर अनहैप्पी विद एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, दे वर अट्रैक्टेड बाई देवीलाल प्रॉमिस। तो वो देवीलाल प्रॉमिस के वादों से प्रभावित हुए, उनके फेवर में आ गए लोग। दे वोटेड इन फेवर ऑफ लोकदल, उन्होंने लोकदल के फेवर में वोट करना शुरू कर दिया। एंड इट्स पार्टनर्स विच वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली में 90 सीटों में 76 सीट जीत गए। 90 सीट में 76 वोन। देखिए क्या मतलब वादों का क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ किसका फर्क पड़ा? वादों का, प्रॉमिस का, किसके द्वारा? देवीलाल चौधरी के द्वारा। क्या बनाया? लोकदल बनाया। कब? 92। कहाँ? हरियाणा। दैट्स इट। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, अब रिजल्ट का अनाउंसमेंट होना शुरू हुआ। लोकदल ओन 60 सीट्स अलोन, अकेले, सिर्फ अकेले लोकदल ने 60 सीटें जीत ली। देखो अकेले का मतलब क्या होता है, क्योंकि बाद में क्या होता है, इलेक्शन जब हो रहे होते हैं और छोटी छोटी पार्टियां भी जीतती हैं कुछ ना कुछ सीट, एक दो सीट जो भी जीतती हैं या वोटें मिलते हैं, बाद में एक गठबंधन, एक अलायंस भी होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं जो टॉपिक चल रहा है। They were attracted by Devilas promise. They voted in favor of Lokdal and its partners, which won 76 out of 90 seats in the state assembly. Announcement of result: Lokdal won 60 seats alone and thus had a clear majority. एक majority बना ली लोगों ने in the assembly. Congress got only 5 seats. Can you imagine it? एक बड़ी पार्टी, एक normal आदमी देवीलाल चौधरी से हार जाता है। कितनी सीटें जीती? कैन यू इमेजिन? 5 सीट ओनली। कितनी आउट ऑफ 90? 70 से ऊपर पार्टनर जीती, वो अकेले 60 सीटें देवीलाल चौधरी ने जीती। एज द इलेक्शन रिजल्ट वाज अनाउंस, जैसा कि इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुआ, दैट एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस रिजाइन, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अब कोई इस्तीफा देगा तो ज्यादा कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, गवर्न कौन करेगा स्टेट को? स्टेट की बात हो रही है, कोई गांव बात थोड़ी हो रही है। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द न्यूली इलेक्टेड, न्यूली इलेक्टेड मतलब जो अभी जल्दी चुनाव हुए, कहाँ? हरियाणा का, 1982 याद रखना। तो द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ MLAs होते हैं, ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। देवीलाल ने चुना क्या? अपने लीडर के रूप में चुन लिया। इनसे प्रभावित हो एम्पलेंस में लोगों ने वोट किया, एक जिताया, काम मेरे लीडर बन जाएगा अभी और क्या। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, गवर्नर समझते ना, गवर्नर ने देवीलाल को आमंत्रित किया, क्या बनने के लिए? नया मुख्यमंत्री बनने के लिए, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। चलिए, आफ्टर 3 days ऑफ इलेक्शन रिजल्ट 3 दिन बाद ही टूक ओथ, उन्होंने शपथ ली, ग्रहण ली, है ना, मतलब रेडियो चीफ मिनिस्टर का पद किसी मिलेगा तो बोलेगा नहीं हमको नहीं बनना है, बोलेगा सबको बनना है, किसको नहीं बनना है, बन गए। उन्होंने शपथ ग्रहण किया। न्यू इलेक्शन, लोकदल रूल्ड द स्टेट ऑफ फॉर 4 years, 4 सालों तक लोकदल ने रूल किया, शासन किया। इन 1991, याद रखना 1982 की बात बात आ रही, 1991 में 97 इलेक्शन, द लोकदल डिड नॉट विन पीपल सपोर्ट। अब लोकदल को सपोर्ट नहीं मिला लोगों का, कुछ कारण होगा क्यों नहीं मिला, हो सकता उन्होंने अपने वादे पूरे ना किए हों, हो सकता है जैसा उन्होंने दिखाया वैसा बना हुआ हो, जैसे कि हमें कुछ हद तक ये बात हम नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली जो सोच लोग की राइट है, बट केजरीवाल जब मुझे याद है आए थे, बड़े बड़े वादे किया 9000 के साथ, और दिल्ली में अपनी पार्टी बनाई भी,
लेकिन जैसे पार्टी बनी तो कुछ ऐसे वादे थे जो उन्होंने तो फुलफिल नहीं किया, अगर किए होते तो कुछ एक ऐसे चेहरे हमारे सामने हैं जिन पर हम पूरा भरोसा कर भी सकते हैं और करते भी, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास जो बहुत बड़े पोएट हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन के बाद रिजाइन किया, तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रॉमिस जितना नेता करता उतना पूरा करते नहीं, ये सच है। दिस टाइम कांग्रेस वॉन द इलेक्शन, अब ये समय था कि कांग्रेस ने इलेक्शन जीत लिया वापस, है ना, पहले हार गए थे फिर जीत लिया, एंड फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट बनाई। देख क्या पक्ष और विपक्ष का तर्क देखिए, कि पहले से कांग्रेस गवर्न कर रही थी, देवीलाल ने कुछ नए चीज़ें दिखाई लोगों को लगा कि ये हमारे लिए अच्छा करेंगे, पुरानी सरकार से मुड़ चुके हैं, लेकिन जीते भी वो चार साल राज, उसके बाद फिर हार गए, फिर कांग्रेस वापस आ गए, ये चलता रहता है, इलेक्शन है, लोगों का मन है, जिसको चाहे उसको चुने। नीड ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन की जरूरत क्या है, क्यों चुने, सिंपल सी बात है, अगर हम एक पार्टी चुन लिए, एक आदमी से उब गए हैं, तो जाहिर सी बात हमें एक राइट है हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे संविधान ने दे रखा है कि हम दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, नया रिप्रेजेंटेटिव तैयार करेंगे। इलेक्शंस आर नीडेड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्शन की जरूरत होती है एक नया रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए एमंग द सोसाइटी। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपुल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अधिकांश जहां भी प्रजातंत्र चलता है वहां पे रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं और वोट डाल के और वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्न करते हैं लोगों को। जैसे आपके गांव में देखा होगा, आपके कस्बे में चेयरमैन होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, बहुत सारे। तो पहला रीजन ये बनता है नीड ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शंस सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ असेसिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड और एक्सपीरियंस। देखिए आज ये मुद्दा बन चुका है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। इकोनॉमी की सिर्फ अनिल ध्रुव अंबानी को देख के नहीं बनता, इकोनॉमी सिर्फ पार्टिकुलर एक सोसाइटी को देख के नहीं बनता। पार्टिकुलर भाई जीडीपी का मतलब क्या होता है, कि पर व्यक्ति आय क्या है, पर व्यक्ति जो आय है उससे तय होती है किसी व्यक्ति की जीडीपी, राइट। जीडीपी में बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी टॉपिक लेंगे इसको भी पूरा क्लियर करेंगे, इकोनॉमिक्स पे याद करते हैं। तो इलेक्शन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ असेसिंग पीपल ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस। एंड सेकंड नीडेड, इलेक्शंस हेल्प इन एनालाइजिंग दैट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। मान लीजिए देवीलाल को चुन लिया लेकिन बाद में आखिर हार गया ना वो भी, मतलब क्या हुआ कि हम जिस रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं हो सकता है बाद में वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी बातों में खरा ना उतरे या अपनी शर्तों में खरा ना उतरे, तो हम वापस हम चेंज कर सकते हैं, ये तो डेमोक्रेसी। अगर ऐसा ना होता फिर तो मोनार्की राजतंत्र, एक बार राजा चुन लिया तो चुन लिया, वो चाहे तो सजा दे चाहे तो जिंदा रखे मार दे कुछ भी करे, तो ये तो हम नहीं चलने वाला ना, क्योंकि डेमोक्रेसी है। थर्ड क्या है भाई, इलेक्शंस की नीड क्या है, तीसरा पॉइंट ये है, इलेक्शंस इंश्योर दैट, इलेक्शन इस बात से निश्चित करता है आपको द रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल एंड मेक श्योर दैट दोज हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल। मान लीजिए एक लोग चुन लिया लेकिन वो लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहा है, डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो दोबारा आप नहीं रहेगा। मान लीजिए आपने किसी को चुन लिया कि भैया हम आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, आपको वोट देंगे और आप एजुकेशन को बढ़िया करिएगा, आप इकोनॉमी हमारे गांव की मजबूत करिएगा, चेयरमैन चुन लिया, किसी को चुन लिया, प्रधान को चुना, चेयरमैन को चुना, विधायक को चुना, कि ठीक है आप हमारे गांव के लिए अच्छा कार्य करेंगे, आप हमें एक नया आदमी दिखता है, हम आपको वोट डालें, लेकिन वो भी कल बदल जाए, वो भी कल आपकी बातों पर खरे ना उतरें या जो उन्होंने शर्तें रखी उन खातिर खरे ना उतरें, है ना। चुनाव अभियान ये तो चलता है, इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, अब देखिए पार्टी आ रही है चुनाव के लिए, जगह जगह पर चुनाव के लिए अपनी रैली निकालते हैं, तादाद खूब भीड़ होती है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अपने अपने मोटिव रखते हैं कि हम बेरोजगारी, और हमेशा विपक्ष जो गवर्नमेंट होती है मौजूदा गवर्नमेंट उस पर हमेशा आरोप ही लगाती है, क्योंकि उसको आना है और उनको हटाना है, तो वो हमेशा कहेगा यहाँ की एजुकेशन अच्छा नहीं है, यहाँ की एजुकेशन नहीं सही, यहाँ की इकोनॉमिक अभी इनके द्वारा नहीं सही, क्योंकि बल्कि उन्होंने और गड़बड़ कर दिया, ये और करप्ट लोग हैं, ये चलता रहता है दूसरा। बट वॉट इज रियलिटी, डू यू नो दैट वॉट इज रियलिटी, रियलिटी ये है, फैक्ट ये है कि हम जहाँ थे वहाँ से आज बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ रहे, आगे आए हैं, ये इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि जो कल हमारी कंडीशन थी आज हुई, आज हम डेवलप किए हैं, हर मामले में डेवलप किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें भी डेवलप किए हैं, इंडस्ट्री में किए हैं, टेक्नोलॉजी में हम डेवलप किए हैं, कई चीज़ों में हम डेवलप कर रहे हैं,
नहीं क्या एजुकेशन जिस चरम सीमा पर हो, जैसे कहते हैं ना भारत हमारा एक क्या है विश्व गुरु था, आज उतना नहीं है। रीजन क्या? रीजन ये है कि पॉलिटिक्स पार्टी अपने स्वार्थ हेतु, अपने स्वार्थ बस जो सच में करना जो करते नहीं है, बस एक दूसरे पर आरोप डालते हैं। हमें आरोप थोड़ी सुना है, हम क्या तुम्हें आरोप सुनने के लिए वोट देते हैं, तुम्हें दूसरे आरोप पुलिस के लिए वोट दे रहे हैं? अरे भाई हमें तो चाहिए तुम करते क्या हो। और कई स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैंने कई बार बताया क्लास में कोई झंडा पकड़ते हैं, झंडा मत पकड़ो भाई, आप पूछो ना कि सर हम आपको वोट देते हैं, आप हमारे लिए क्या करें। आप पार्टिकुलर बताइए ना, हम इस समुदाय से आते हैं, समुदाय के लिए क्या करेंगे, आप एक बार बता दिए हम वोट देंगे रेडी, अगर हम नहीं करने के लायक वोट क्यों करें, फिर हमें उस आदमी चुनना चाहिए जो हमारे लिए कार्य करें। इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए हमें, और हमें को भी ध्यान देना होगा क्योंकि वोट हम देने जा रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चुनेंगे, हमारे क्या मुद्दे कोई और चुनेगा। अपना रिप्रेजेंटेटिव अगर हम चुन रहे हैं, अपने वोट हम दे रहे हैं, अपने मुद्दे भी हम ही रखेंगे अपने कि भैया हमारी ये समस्या हमें दूर करिए, अगर समस्या नहीं दूर करते कोई बात, 5 साल राज कर लीजिए, अगली बार आपको हटा देंगे। तो ये करना पड़ेगा। अगर खाली हम धर्मवाद में जुड़े रहें कि सेकुलर का नाम लें, बाकी उसके पीछे हम धर्म चलाएं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम हिंदुत्व हैं तो हिंदू वाले काम करते हैं, हम मुस्लिम तो मुस्लिम कार्य करते हैं, हम यादव हैं तो यादव वाले काम करेंगे, अगर ये सब चीज़ें लाएंगे तो यकीन मानिए ये पार्टियां खाली आपस झगड़े करके एक दूसरे पर आरोप डालेंगी, लेकिन कभी भी ग्रोथ के लिए वो काम नहीं करेंगे। तो हमें ये पता ग्रोथ भी कहाँ करते हैं, कभी आप थोड़ा सोचिएगा, अगर बहुत अच्छी रोड बन गई है तो इससे आपके घर की आय नहीं बढ़ रही, अगर बहुत अच्छी बिजली बन गई है और आज 24 घंटे लाइट मिल रही है, इससे भी आपकी आय नहीं बढ़ेगी बल्कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका रहन सहन बढ़ेगा, वो सच है, रहन सहन परिवर्तन आएगा, लेकिन आय में परिवर्तन आएगा नहीं आप सोच लीजिए। तो आय के परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए, आय को बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क चाहिए, ये सच है, जॉब चाहिए। अब आज सीटेट करके लोग बैठे हैं, टेट क्वालिफाई है, बहुत सारी एजुकेशन में एक क्वालिटी लेके स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट क्या उनकी उम्र होगी कुछ दिन में उनकी ऐसी एज आ जाएगी ओवर एज हो जाएंगे, जॉब के लायक नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लायक नहीं रहेंगे। अब अगर गवर्नमेंट को जॉब नहीं देगी ओवर एज हो जाएंगे, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुना था इसी बात को लेकर वोट डाला था कि हम उनको चुनेंगे तो हमें जॉब देंगे, हमारी बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन नहीं हुई। अब तो आज नहीं तो कल वो ओवर एज हो जाएंगे, जो पुराने लोग हैं ओवर एज हो जाएंगे, तो बताओ कल भी गरीब थे, इतना पैसा पढ़ाई में लगाया, अब क्या होगा इनके साथ। तो इसे हमें सोचना पड़ेगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को ये बात समझानी पड़ेगी, सर हमने आपको चुना है और आपको थोड़ा सबर करना होगा, अदरवाइज थोड़े से मुद्दे गलत हो सकते हैं, फिर हम आपको दोबारा नहीं चुनेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर टुडे, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क डायरेक्टली थ्रू आवर व्हाट्सएप। ओके।